हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैगलेव टेक्नोलॉजी क्या है, मैगलेव टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और ये जो मैगलेव टेक्नोलॉजी है ये कितने टाइप्स की है। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या हमें मैगलेव टेक्नोलॉजी ही दिखने वाली है, मिलने वाली है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है GRC, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विक्ट्री लैब पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैगलेव टेक्नोलॉजी जिसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं बुलेट ट्रेन्स। दोस्तों मैगलेव टेक्नोलॉजी जिसमें मैग का फुल फॉर्म है दोस्तों मैग्नेट, एंड जो लेव है दोस्तों उसका फुल फॉर्म है लेविटेशन। तो दोस्तों मैगलेव हुआ मैग्नेटिक लेविटेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ट्रेन है उसको जो रेल्स होती हैं रेल्स के ऊपर तैराया जाता है। लेविटेशन मतलब दोस्तों तैरना। तो दोस्तों चुंबक मैग्नेट्स हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो ट्रेन है वो जो रेल्स होती हैं उसके ऊपर ऐसे तैरने लगती है, उन रेल्स को टच नहीं करती है, उन रेल्स के ऊपर तैरने लगती है। तो दोस्तों ये होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। दोस्तों मैगलेव टेक्नोलॉजी में दो मैग्नेट्स के सेट यूज़ होते हैं। दोस्तों जो पहला सेट होता है मैग्नेट का, उसका काम रहता है कि वो जो ट्रेन है उसको वो रेल्स के ऊपर, जो पटरी होती है, जो रेल्स होती हैं उनके ऊपर ऐसे तैराए। पहला सेट ऑफ मैग्नेट्स है उनका काम ये होता है। और दोस्तों जो दूसरा सेट ऑफ मैग्नेट होता है उनका काम ये रहता है कि वो ट्रेन को आगे पुश करे, ट्रेन को आगे जाने में मदद करे। तो दोस्तों पहला सेट मैग्नेट्स के पहले सेट और मैग्नेट्स के दूसरे सेट का काम ये है। दोस्तों यहाँ पे मैगलेव टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे कोई मूवेबल पार्ट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। जो हमारे कन्वेंशनल, मतलब जो आमतौर पे हम जो रेल्स ट्रेन्स देखते हैं उनमें जैसे चक्के होते हैं, या फिर आप बात कर लीजिए मेट्रो ट्रेन्स, उनमें भी चक्के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोई चक्का, कोई व्हील या फिर कोई भी मूवेबल पार्ट यहाँ पर हमें यूज़ होता हुआ नहीं दिखता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है कि जो फ्रिक्शन, जो घर्षण है यहाँ पर, उसका कोई ऐसा हमें रोल नहीं दिखता है। जनरली अगर हम व्हील्स की बात करें, चक्कों की बात करें, तो यहाँ पे फ्रिक्शन घर्षण हमें नहीं दिखता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैगलेव टेक्नोलॉजी में ये होती है कि जैसे मैगलेव टेक्नोलॉजी का एक जैसे एग्जांपल हुआ बुलेट ट्रेन, तो अगर बुलेट ट्रेन आगे बढ़ रही है तो जो हवा के कारण जो बुलेट ट्रेन में ड्रैग प्रोड्यूस होता है, दोस्तों ड्रैग का मतलब होता है हवा के कारण जो घर्षण होता है, यहाँ पे दोस्तों चक्के की वजह से कोई घर्षण नहीं हो रहा है। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में जैसे नॉर्मल जो ट्रेन्स देखते हैं वहाँ पे चक्के के कारण हमें घर्षण होता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों चक्के की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रेन है वो तो तैर रही है, तो यहाँ पे चक्के का तो सवाल कोई उठता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हवा के कारण जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो हवा के कारण जो घर्षण प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो ट्रेन है उसकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी कर सके कि जो हवा के कारण जो ड्रैग प्रोड्यूस हो रहा है वो हम कम से कम कर सके। दोस्तों जो ट्रेन, और एक और चौंका देने वाली बात ये है कि हम जनरली जैसे सोचते हैं कि अगर जो ट्रेन है वो इतना भारी है तो उसे लेविटेट कराने में, तैराने में बहुत एनर्जी लगती होगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो एनर्जी, जैसे बुलेट ट्रेन अगर आगे बढ़ रही है तो हवा के कारण जो ड्रैग प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे दोस्तों बहुत एनर्जी जाती है कंपेयर टू हम जो ट्रेन को हवा में लेविटेट कराते हैं मैग्नेट की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे मैगलेव में, मैग्नेटिक लेविटेशन में हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखता है। दोस्तों जो मैगलेव है, मैग्नेटिक लेविटेशन, इस टेक्नोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेन है वो ऊपर लेविटेट करती है, तैरती है। तो दोस्तों जो ट्रेन है उसके तैरने के कारण को दो भाग में बांटा गया है, मतलब मैगलेव टेक्नोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। जो दोस्तों पहला है, जो पहला टाइप है उसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन, और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। तो चलिए अब दोनों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन को। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन में क्या होता है, मान लीजिए बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन के नीचे ऐसे सी शेप, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है सी, उस सी शेप का ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता है, और
सी, मान लीजिए ये सी शेप है, तो सी शेप के नीचे यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है और यहाँ से रेल जो पटरी है, यहाँ से वो रेल पटरी जाती है, तो दोनों के बीच यहाँ पर दोस्तों अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और दोस्तों इस आकर्षण की वजह से ट्रेन आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये बेसिक, ये बुनियाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन की। दोस्तों यहाँ पर एक डिसएडवांटेज, एक खामी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन की ये देखने को मिलती है कि अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट और रेल यानी पटरी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा कम हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स है वहाँ पर काफ़ी बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो अगर मैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और पटरी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, दोनों के बीच की दूरी को अगर मैं डी बोलूं और जो चुंबकीय अट्रैक्शन दोनों के बीच है उसको अगर मैं एम से डिनोट करूं तो यहाँ पर रिलेशन बनता है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d³। मतलब दोस्तों अगर जो पटरी है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए अगर मान लीजिए दोस्तों अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस शून्य, मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट घटता है, यहाँ पे दोस्तों यूनिट कुछ भी छोटी हो सकती है, मैंने यहाँ पे जनरल एक यूनिट बात की है। तो दोस्तों अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट घटता है तो दोस्तों चुंबकीय आकर्षण 2 × 2 × 2 मतलब 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलता है। और इस वजह से जो दोस्तों जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई भी कारण की वजह से अगर पटरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच की दूरी अगर ज़्यादा कम होगी तो बहुत भारी अंतर आता है चुंबकीय अट्रैक्शन के बीच। और दोस्तों इस वजह से ट्रेन के जो क्रैश होने की संभावना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, और वो हम बात करेंगे अगला टाइप जानने के बाद। दोस्तों जो अगला टाइप है उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन में क्या होता है कि हम मैग्नेट्स, चुंबकों को इस तरह बिछाते हैं कि वो जो बुलेट ट्रेन है, मान लीजिए बुलेट ट्रेन है, तो वो बुलेट ट्रेन को कंटिन्यूसली अट्रैक्ट और रिपेल करे, और कंटिन्यूसली इस तरीके से अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, रिपेल मतलब धक्का दे, कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो ताकि वो ट्रेन आगे बढ़ता रहे। हाँ दोस्तों यही होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन की सबसे एक खास बात ये है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन में देखा था कि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट और पटरी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा कम हुआ तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन में फेरबदल दिखता है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिखता, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन में अगर पटरी और इन चुंबक को, चुंबक की वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच की जो चुंबक है और जो पटरी है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर ज़्यादा कम भी होगी तो यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इतना अच्छा होता है, इतना एफिशिएंट, इतनी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट रहता है कि ट्रेन जो डिसबैलेंस नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन के का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये है कि जो ट्रेन है उसको, उसकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर जो मिनिमम ट्रेन है, जो ट्रेन है उसकी अगर मिनिमम न्यूनतम स्पीड अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रही तो दोस्तों वो ट्रेन हवा में तैर नहीं पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर ये एक दिक्कत है। और दोस्तों मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन का पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपकी जो ट्रेन है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम भी रह सकती है, वहाँ पर ट्रेन के क्रैश होने के या लेविटेट पहले हो रहा था बाद में गिर जाएगा ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जो इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन है वहाँ पर ट्रेन की गिरने की संभावना बढ़ जाती है अगर जो है ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई। तो सो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन की सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट आप ये कह सकते हैं। दोस्तों ये जो
मैगलेव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर चक्के तो यूज़ हो ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण की वजह से जो एनर्जी वेस्ट होता है, यहाँ पर वैसा कुछ एनर्जी वेस्ट हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्योंकि दोस्तों इन ट्रेन ये जो ट्रेन्स होती है इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ये चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्पीड को ये जो ट्रेन है ये इतनी स्पीड में मूव करे, उसके लिए दो जो स्टेशन्स के बीच ये जो ट्रेन मूव कर रहा है दोस्तों, वो स्टेशन की दूरी दो स्टेशन्स के बीच की दूरी बहुत लंबी होनी चाहिए। मतलब जो डिस्टेंस है, जो दूरी है दो स्टेशन्स की, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये जो ट्रेन है अपनी पूरी एफिशिएंसी, पूरी अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ पाएगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारे जो शहर होते हैं, दो तीन शहर आपस में लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर इन ट्रेन्स को प्रैक्टिकली यूज़ कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट इन ट्रेन का, ये जो ट्रेन्स हैं इनका, ये भी है कि यहाँ पर कोई घर्षण, क्योंकि कोई फ्रिक्शन यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा हमारी बच जाती है। तो दोस्तों कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। अब दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है, अब ये आपकी सोच है, हर किसी की अपनी सोच है, एक आपकी सोच है कि क्या आपको लगता है कि नहीं कि जो फ्यूचर है वहाँ पे हमें फ्यूचर में मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक यूज़ होती हुई दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नीचे जो बेल आइकन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि इससे होगा ये कि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे समझूं और अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं उसे अप्लाई कर सकूं। तो मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।